वहीं उत्तराखंड से एक और संदिग्ध को पकड़ा गया है। बड़ी खबर रुड़की से आई है। पुलिस ने एक बांग्लादेशी शख्स को यहां से पकड़ा है। अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत ये शख्स आ गया था। गिरफ्तार बांग्लादेशी से कोई दस्तावेज भी नहीं मिले हैं। बार बार ये शख्स अपना बयान बदल रहा था और संदिग्ध बांग्लादेशी पहचान छिपाकर रुड़की में रह रहा था। हालांकि ये बांग्लादेश से उत्तराखंड कब आया, किस रास्ते आया, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो जांच आगे बढ़ा रही है। उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहां आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।